हाय गाइस, वेलकम टू कृतिकास मॉम किचन। आज मैं अदरक स्पेशल खाना बना रही हूँ। जो हमारे यहाँ अदरक नक्षत्र जब चढ़ता है तो हमारे यहाँ खीर बनता है, दाल की पूरी, आलू की सब्जी बनता है, तो इसलिए मैं आज अदरक स्पेशल खाना बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं खीर बनाऊँगी। तो खीर बनाने के लिए मैंने दूध लिया, सुबह ही मैंने उबाल दिया था। तो इधर चावल लिया है, चावल को धो के मैंने रख लिया है। और इधर चने की दाल की पूरी भी बनती है अदरक में, और तो ये दाल को मैंने चने की दाल को पानी में भिगो के रख दिया है थोड़ी देर के लिए। और खीर में डालने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स लिया है मैंने, मेरे पास जो अवेलेबल था वही लिया है। और कुकर में इधर मैंने आलू रख दिया उबलने के लिए, जिससे आलू दम बनेगा। तो अदरक में हम लोग हमेशा हर घर में अदरक में यही बनता है, खीर, दाल की पूरी, आलू की सब्जी, ये सब हमारे यहाँ अदरक में बनता है। तो यही रेसिपी आज के साथ आज मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी कि हम लोग बिहार में अदरक कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं बताती जाऊँगी कि मैं आज क्या क्या बना रही हूँ, वो दिखाती भी जाऊँगी। तो सबसे पहले खीर बनाते हैं। तो खीर के लिए दूध को अच्छे से उबाल लेंगे। तो सबसे पहले खीर बनाऊंगी। तो खीर बनाने के लिए मैंने फुल क्रीम दूध लिया है। खीर वाला चावल को मैंने पहले ही पानी में भिगो के रख दिया था। ये चीनी लिया है, कुछ ड्राई फ्रूट से जो मेरे पास अवेलेबल था वही लिया है। दूध को मैंने पहले ही उबाल रखा था, तो चलिए इसमें चावल डाल देते हैं, क्योंकि खीर बनने में थोड़ा टाइम लगता है। और इसके बाद मैं आलू दम की तैयारी करूंगी। तो आलू को मैंने पहले से ही उबालने के लिए रख दिया था। चावल डालकर इसे अच्छे से गैस को सिम करके इसे अच्छे से पकने देंगे। चावल को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो चलिए अब आलू दम बनाने की तैयारी करते हैं। दाल को उबालने के लिए मैंने कुकर में डाल दिया है ताकि अच्छे से उबल जाए। दो सीटी में बहुत ही अच्छे से उबल जाएगी। तो दाल में मैंने हल्दी नमक का यूज़ नहीं किया है। तो चलिए इसका ढक्कन लगाते हैं और इसे उबलने देते हैं अच्छे से। तो इधर मैंने दूसरे चूल्हे पर खीर बनने के लिए साइड कर दिया था, इस उस चूल्हे पे मैंने कुकर रख दिया है ताकि दाल उबल जाए अच्छे से। और इधर मैंने खीर को रखा है। तो चावल तो बहुत ही अच्छे से, थोड़ी सी और गलेगी चावल, बस हमारी खीर बन के तैयार हो जाएगी। तो गैस को सिम करके ही बनाइए, खीर बहुत ही अच्छी बनेगी। बस इसे चलाते रहिए। तो चलिए सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं साथ में। तो चावल बहुत ही अच्छे से गल चुका है, तो अब इसमें चीनी डालने की बारी आती है। तो इसमें मैं एक कटोरी चीनी डाल रही हूँ, जितना आप लोग मीठा खाते हो उसी अनुसार मैं डाल रही हूँ। तो चीनी डाल के इसे हाई फ्लेम पे मैं कंटिन्यू इसे चलाती रहूँगी ताकि उबल के गीरे नहीं और साथ में चीनी भी गल जाए। चीनी डाल दिया मैंने और चीनी गल भी चुका है, तो अब इसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद का, और साथ में मैंने एक इलायची भी लिया है, ड्राई फ्रूट्स डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे अच्छे से उबलने देते हैं। तो चलिए दाल भी उबल चुका है, कुकर में दो सीटी आ चुकी है, तो गैस को कर देते हैं ऑफ और सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं, आलू दम की, जो बिहार में बहुत ही फेमस है आलू दम। तो चलिए
आलू दम बनाते हैं। तो आलू दम बनाने के लिए सबसे पहले आलू को उबाल लिया था मैंने, इसका छिलका उतार लिया है। तो सब्जी मैं सरसों तेल में बनाऊंगी, तो सरसों तेल को बहुत पहले ही मैंने गैस पर रख दिया था। तो थोड़ा सा जीरा का तड़का डाला है मैंने, तो जीरा बहुत ही अच्छे से भून चुका है। तो मैंने दो प्याज लिया था, इसे पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया है। तो इसे तेल में डाल देते हैं, प्याज को फ्राई करना है। प्याज को बहुत ही अच्छे से ब्राउन करना है। जब तक प्याज ब्राउन हो रहा है तब तक मैं आलू को कट कर लेती हूँ। आलू को ज़्यादा छोटा नहीं करना है, बस इस तरीके से करना है। तो इधर खीर बनके तैयार हो चुका है, तो गैस को करते हैं ऑफ और इसे ठंडा होने देते हैं। बहुत ही अच्छी खीर बनी है गाइस, एकदम ठीक है ये। तो चलिए गैस को करते हैं, क्योंकि ये ठंडी होगी तो और गाढ़ा हो जाता है ये, तो इसे गैस को कर देते हैं ऑफ। तो प्याज बहुत ही अच्छे से लाल हो चुका है, तो चलिए इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले हल्दी पाउडर जो हमारी सब्जी को बहुत ही अच्छा कलर देती है, धनिया पाउडर एक छोटा चम्मच, मिर्च पाउडर थोड़ी तीखी बनाएंगे सब्जी को तो अच्छी लगेगी, एक छोटा चम्मच भर के लिया है मैंने। और ये मसाला मैं बना के रखी हूँ, तो इसमें अदरक लहसुन प्याज काली मिर्च जीरा थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया था, सभी खट्टे मैंने पीस लिया है। तो इसे दो चम्मच पूरा भर के डालते हैं, जिससे हमारी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी। दो बड़ा चम्मच भर के डाला है मैंने, इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मसाला में थोड़ा सा मीट मसाला डाल रही हूँ, जिससे सब्जी और भी टेस्टी बनेगा। गरम मसाला के बदले मैंने पाउडर में मीट मसाला यूज़ किया है, गरम मसाला थोड़ा सा मैंने एक लौंग इलायची, वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाया था उसी के साथ एक लौंग इलायची डाल के पेस्ट बनाया था। तो एक चम्मच मैंने मीट मसाला डाला, इसे डाल के अच्छे से मिक्स करते हैं। मसाला को बहुत ही अच्छे से भून लेते हैं। चने की दाल भी उबल चुकी है बहुत ही अच्छे से। मसाले में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि प्याज अच्छे से गल जाए मसाले के साथ। नमक का यूज मैंने अभी नहीं किया है। मसाला को कम से कम एक मिनट तक अच्छे से भून लेते हैं। तो मसाला बहुत ही अच्छे से भून चुका है, तो चलिए इसमें आलू डालते हैं। और साथ में
स्वाद नमक, ज्यादा ग्रेवी नहीं रखनी है सब्जी में, सूखा ही रखना है। नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसे ढककर अच्छे से पकने देते हैं। अभी से ही आप देख सकते हो सब्जी का कलर कितना अच्छा है। चलिए इसे ढक देते हैं और अच्छे से पकने देते हैं। तो चलिए सब्जी को चेक कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे से सब्जी बनके तैयार हो चुकी है और सब्जी का आप कलर भी देख सकते हो कितना अच्छा आया है। तो मुझे सूखी सब्जी रखना है तो इसीलिए मैं इसी तरीके का रख रही हूँ, सूखा ही रख रही हूँ। तो इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता डालते हैं जिससे और इसका टेस्ट दोगुना हो जाए। धनिया पत्ता से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो धनिया पत्ता डाल के इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। तो लीजिए सब्जी बनके हो चुकी है तैयार। सब्जी बन गई है, खीर बन चुकी है। तो चलिए अब पूड़ी बनाने की तैयारी करते हैं, दाल पूड़ी। तो गैस को करते हैं ऑफ, इसे मैं डिश आउट करती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो अब चलिए दाल की पूड़ी बनाने के लिए तैयारी करते हैं। दाल पूड़ी बनाने के लिए मैंने चना दाल को उबाल लिया है, ज़्यादा नहीं, इस तरीके से विदाउट, बिना हल्दी नमक का ही उबाला है इसे। तो चलिए इसमें कढ़ाई में तेल डालते हैं, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं। तेल को हल्का सा गर्म होने देंगे। थोड़ा सा जीरा, जीरा को चटक ले देते हैं अच्छे से। तेल और जीरा बहुत ही अच्छे से जीरा भुन चुका है, तो इसमें थोड़ा सा अदरक कस कर मैंने डाला है और हरी मिर्च साथ में। इसे थोड़ा सा अदरक को भून लेते हैं अच्छे से। इसमें कुछ सूखे मसाले भी यूज करेंगे। तो मिर्ची बहुत ही अच्छे से भून चुका है। तो अब ये दाल उबाला हुआ जो रखा था मैंने इसे डालते हैं। चलिए इसमें हल्दी डालते हैं थोड़ा सा, नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर टेस्ट के लिए और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल रहे हैं। बस इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दाल बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी है, तो इसे मैं मैसर से हल्का सा दरदरा सा बिल्कुल पेस्ट सा तैयार कर लेती हूँ। दाल को मैंने बिल्कुल ही दरदरा सा पेस्ट बना लिया है, देख सकते हो। ग्लास की हेल्प से मैंने किया है, इसे गर्मा गर्म में इस तरीके से मैश कर दिया था, बहुत ही अच्छे से ये मैश हो गया। तो चलिए दाल पूड़ी के लिए स्टफिंग भी तैयार हो चुकी है। तो चलिए दाल पूड़ी के लिए अब आटा गूंथते हैं और इसमें मैं धनिया पत्ता डालना भूल गई थी। धनिया पत्ता से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दाल पूड़ी का। धनिया पत्ता डाल के अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं। तो
चलिए हमारी स्टफिंग तैयार है, तो आटा गूंथ लेते हैं। तो पूरी बनाने के लिए मैंने दाल बना के तैयार कर लिया गाइस, और इधर खीर भी बन के तैयार हो चुकी थी, और इधर सब्जी आलू की, और इधर मैंने आम काट के भी रख लिया है। तो बस दाल की पूरी बनानी है, और इधर मैंने गर्म होने के लिए तेल को रख दिया है। तो चलिए दाल की पूरी बनाते हैं, और आटा भी गूंथ लिया मैंने। आटा में मैंने अजवाइन और थोड़ा सा घी डाला है, जिससे हमारी पूरियाँ बहुत ही खस्ता बनेंगी और बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना दाल की पूरी। दाल की पूरी बनाने के लिए मैंने आटा बहुत ही एकदम नरम गूंथा है। तो चलिए दाल की पूरी बनाते हैं। ये जो स्टफिंग बना है दाल का, इसे आप जितना पतला करोगे उतनी अच्छी बनेगी। तो कोशिश कीजिएगा कि हल्का ही भरे इसे, इस तरीके से हल्का हल्का ही करें, नहीं तो पूरियाँ फटने लगती हैं तेल में जाने के बाद। तो इसीलिए आराम से इसको ज़्यादा दबा दबा के नहीं करिएगा, भरिएगा इस तरीके से हल्के हाथों से। तो इस तरीके से मैं सारा तैयार कर लेती हूँ। तो चलिए इसमें थोड़ा सा सूखा आटा मैंने लगा लिया है, और इसे हल्के हाथों से बेल लेते हैं कि ज़्यादा फटे नहीं कहीं से। तो लीजिए इस तरीके से तैयार कर लेते हैं, और इसी प्रोसेस से इसे भी। तो ये लीजिए हमारी दाल की पूरियाँ बनके तैयार हो चुकी। तो पूरियाँ मैंने बेल के तैयार कर ली, ये दाल की पूरी है, और ये मैं शादी पूरी बना रही हूँ। तो चलिए तलते हैं इसे एक एक करके। बिल्कुल मैंने बताए तरीके से बनाइए, फूली फूली ही पूरियाँ बनेंगी आपकी। और जब भी आटा गूंथिए तो उसमें अजवाइन और तेल जरूर डालिएगा। तो आप देख सकते हो कि मेरी पूरी बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है। गैस को मैं सिम करके बना रही हूँ। तो आप लोग अदरा में क्या बनाते हो ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के अदरा में क्या क्या बनता है। भाई हमारे यहाँ बिहार में अदरा में दाल की पूरी, सादा पूरी और आलू की सब्जी, खीर, आम, ये सब बनाते हैं अदरा में हम लोग। तो ये चलिए तल के तैयार हो चुका है, तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। और मैं आपको प्लेट सर्व करके दिखाऊंगी। बिल्कुल इसी तरीके से बनाइए, फूली फूली पूरियां बनेंगी आपकी। और ये सादी पूरी मैंने बनाया है, इसमें स्टफिंग नहीं डाला है। ये भी तलकर तैयार हो चुकी, इसे भी निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए मैंने अदरा स्पेशल खाना बना के तैयार कर लिया है गाइस। तो हमारे बिहार में अदरा के दिन यही बनाया जाता है, जब अदरा नक्षत्र चढ़ता है महीने में, तो हम लोग चढ़ते हुए यही खाना बनाते हैं। आलू की सब्जी, जो आलू दम, ये सूखी वाली है जो ऑल टाइम हम लोग की फेवरेट है। तो आलू की सूखी सब्जी बनाई है मैंने, और ये खीर, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये पका हुआ आम,
पूरी, ये दाल भर की पूरी है। तो कैसी लगी मेरी यह अदरा वाली थाली आपको? आप लोग क्या बनाते हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो हम लोग के आदरा में यही बनता है, दाल भर के पूरी, सादा पूरी, आम, आलू की सब्जी, खीर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आदरा में बनाते हैं। आपको कैसी लगी है मेरी रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स जरूर बता दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हूँ मैं अपने नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।